जलजला जो है सर, मेरे जहन में सवाल आया कि मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जलजले आते हैं, और अब तो बहुत अरसे से ऐसा हो रहा है कि हम देखते हैं आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं। सर मुझे ये बताएं कि जलजले क्यों आते हैं, इसमें क्या, आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। देखिए जलजले के आने की दो वजूहात हैं दुनिया के अंदर, एक आतिशबाजी के फटने से जलजला आता है और दूसरा जमीन के जो ऊपर वाली परत है ना, इसमें बहुत सारी दरारें हैं, उन दरारों में जब हरकत पैदा होती है तो फिर जलजला आता है। ठीक है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में यूरो एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, हम जिस पार्ट पे बैठे हैं ये यूरो एशियन टेक्टोनिक प्लेट है, जमीन में मुख्तलिफ जगहों पर दरारें हैं, वो दरारें जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जमीन के दो हिस्से आपस में टकराते हैं, तो उनसे जो वाइब्रेशन पैदा होती है जो हम तक पहुंचती है उसको हम जलजला कहते हैं। आप एक अनपढ़ आदमी से भी पूछे तो जलजला क्या है, तो वो कहेगा जी जमीन के हिलने का नाम जलजला। तो मैं बता रहा हूँ कि चूंकि हमारे पाकिस्तान में ये इर्द गिर्द कोई आतिशफिशां नहीं है, इसलिए यहाँ पे आतिशफिशां की वजह से जलजला नहीं आता। वो तो इंडोनेशिया, सुमात्रा या जिन जजीरों में आतिशफिशां हैं वो जब फटते हैं तो तब वहाँ पे जलजला आता। कौन-कौन से इलाकों में ज्यादा? ये जी इंडोनेशिया के, अमेरिका के कुछ इलाके हैं, अफ्रीका के कुछ इलाके हैं जहाँ पे वोल्केनोज जो हैं वो लाइव होते हैं। ठीक है, उनमें से लावा निकलता रहता है। जब जमीन के अंदर प्रेशर से, जमीन के अंदर तमाम चीजें इस वक्त मोल्टन फॉर्म के अंदर है, पिघली हुई शक्ल में, वो जहाँ जमीन की सतह को कमजोर देखती है वो मटीरियल वो बाहर आने की कोशिश करता है प्रेशर के साथ। अच्छा, जब वो प्रेशर के साथ बाहर आने की कोशिश करता है तो वो जमीन को वाइब्रेट करता है और इसी को जलजला कहा जाता है। तो ये रीजन इसकी वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो क्रैक्स हैं, हमारे यहाँ पे जमीन के अंदर जो क्रैक्स हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए जो क्रैक है वो हिमालया में मेजर क्रैक है। वैसे जमीन के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे क्रैक्स हैं जिनकी में हरकत की वजह से जलजले आते रहते हैं। ये अभी रिसेंट मिसाल दूं तो ये अभी जेलम में जो मीरपुर के करीब में बड़ी तबाही हुई है इस वक्त, वो असल में जो हमारा फॉल्ट लाइन थी जेलम के पास, वहां पे जो हरकत पैदा हुई थी उसकी वजह से आई थी। ठीक है, और बहरहाल एक ये कुदरती आफत है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये वी हैव टू बियर दैट। लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो जब जलजले आए तो वो उस पे उन पे कोई असर ना पड़े, तो जब और बिल्डिंग कायम रहे और लोग भी ना डरे उसके ऊपर। तो ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना जी, उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी टेक्नोलॉजी इस तरह डेवलप कर ली हुई है कि वहां पे जलजले आते हैं तो उनको कोई परवाह नहीं होती, वो आराम से बिल्डिंग्स के अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल मैं जापान की दूंगा। जापान इस वक्त फॉल्ट लाइन के ऊपर है और वहां पे जलजले अक्सर आते रहते हैं। जब ये जलजले आते हैं तो वो बड़े आराम से अपनी बिल्डिंग्स में बैठे रहते हैं, हमारी तरफ पैनिक होकर बाहर की तरफ नहीं भागते, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स इतनी मजबूत होती हैं, उनको अपनी बिल्डिंग पे एतबार होता है, हमें अपनी बिल्डिंग पे एतबार नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात की। हमें अपनी बिल्डिंग में हमने ताकत नहीं डाली होती जो रिक्वायर्ड होती है जलजले से लड़ने के लिए, तो जैसे ही जलजला आता हम सारे खौफ से बाहर भागते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए, ये बड़ी बुरी बात है, बंदे को ज्यादा चोटें लगती हैं। बिल्डिंग गिर भी सकती है, अल्लाह हाँ, लेकिन यह है कि असल चीज है कि हमें टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। बिल्डिंग ऐसी बनाए, इसमें पैसा बचाने की कोशिश ना करें, उसको उतना स्ट्रांग बनाए जितनी रिक्वायरमेंट है।